What's up everyone, Heather, Dania, welcome to an amazing video of This Year Trendy Reacts. ये वड़ू टू के आज हम एक्शन सीन्स के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं जिसमें है राम चरण सर। इसके हमें काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आप इनके एक्शन सीन्स एंड फाइट सीन्स पे रिएक्ट करो, तो हमने कहा क्यों ना रिएक्ट करें। लेकिन सीन स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूअर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स प्ले। दिन में तारे दिखे क्या बे, आजकल ज्यादा ही उड़ रहा है। देखो परदेसी बाबू, छोटे बच्चे को छेड़ना अच्छी बात है, सेल फोन रखना भी अच्छी बात है, लेकिन फोटो खींचना गलत बात है। इसलिए बिटिया की सारी फोटो वापस दे दो। कौन सी फोटोज? कौन तो मुझे फोन दो, मैं खुद निकालूंगी, होशियार मत बनो। मेरे पास कोई फोटोज नहीं है। अबे निकाल। ये क्या हुआ? हमारे आदमी चुल्लू भर पानी में तैर रहे। वैसे मैं मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हूँ। बोलो तो कराटे? इसलिए सर, फाइटिंग वाइटिंग रहने दो। फाइटिंग नहीं करनी ना? नहीं तो फोन ला चल। मां कसम सर, आई डोंट हैव अ सेल फोन। आप देख लो, तलाशी ले लो। हां वो समझा है, हम पे हाथ साफ करेगा ना? नो 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 नो, मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा सर। क्यों? दो को मारने पर एक को छोड़ देगा? तू कौन है बे, और मेरे घर में क्यों घुसा है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसे ये सच्चाई की दवा पिलाओ, सारा सच उगल लेगा। चल मुंह खोल। ओपन। शराब? प्लीज, मैं पीता नहीं हूँ सर, मैंने बाबा को जबान दी है, इसलिए शराब का आइडिया कैंसिल कर दीजिए। अगर आप चाहें तो गुरुजी से कहकर मैं अभी गांव छोड़कर चला जाता हूँ। बदल जाएगा, लेकिन पीने के बाद। ये लोग मुझे पिला रहे हैं। चाचा प्लीज हेल्प मी। अपने बीच लोचा कितना भी है तो हम एक ही परिवार के। ये साला बाहर का है। ब्रो, उस बात को दिल पे मत। मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए, क्या करूं? तू भी आसाब कर ले। बाउंड्री लाइन के बाहर लग गया छक्का। छोड़ दे यार, हम एक ही परिवार के, लड़ाई छोड़ दे। तू मेरे परिवार का कब्जे हो गया? ये पलटी हो गया। जड़ को बॉल बना डाला। बैठ लो, नहीं तो हमें भी बॉल की तरह उछाल रहा है। भाग लो। भाग
मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझसे लड़ मत। देखा लड़ने का नतीजा क्या हुआ। सो मिस्टर निकम्मे, घर जा, खाना खा और सो जा। कहाँ रखा होगा इसने फोन? क्यों डार्लिंग, यहाँ क्या कर रही हो? फोन चाहिए ना? गुरुजी। हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर, ठीक से ऊपर करो। इसी के लिए छुपाया हुआ फोन। और ये मेरा जो तुम्हें चाहिए। ये मेरी पॉकेट में कैसे आया? बंगारी से मिलकर मुझे पिटवाने का प्लान बनाया। तुम्हें लगा ऐसा करने से ये फोटोज डिलीट हो जाएंगे? तुम एक कदम आगे हो तो मैं चार कदम आगे हूँ। वैसे तुम कोई मामूली आइटम नहीं हो, ओसामा बिन लादेन की माँ हो तुम। ओए, मैंने कहा यहाँ से जाने के लिए एक झप्पी और एक पापी। नो गुरुजी। ये क्या था? ठीक से चिपको, चिपको। थोड़ा और लाइट, थोड़ा सा और। शरीफ लड़कियां किसी को भी ऐसे हग नहीं करती। तुम तो एक नंबर के ढर की लड़की। ओए, ऐसा ड्रामा फिर से किया ना तो देख लेना। आज शाम के बाद मैं तुमसे जो भी करने को कहूँ वो करना ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5 रोज 5 किस, समझ गई ना? नहीं समझी तो मैं गुरुजी को। 1, 1, 1 आजकल इंसान से ज्यादा पैसे की अहमियत हो गई है। ठीक, खुश रहने के लिए पैसे की नहीं अच्छी नीयत की जरूरत होती है। सरकार ने फसलों के दाम फिक्स किए हुए ना, तो फिर पैसे देने से मना क्यों करते हो भाई? गरीब की मेहनत दिखाई नहीं देती? आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाओ। अमेरिका वाले रिश्ते के बारे में क्या बता सकता हूँ? क्या बात हो रही है? वो ससुर, एक महीने पहले हम एक शादी में गए थे, वहाँ किसी ने हमारी सत्या को देखा था। NRI है वो, अमेरिका में बहुत बड़ा डॉक्टर है। वही लोग सत्या बिटिया का हाथ मांग रहे हैं। जल्दी क्या है, पहले चित्रा की शादी करवानी है। चित्रा की शादी तो हम 4 साल से करवाना चाहते हैं, पर बंगाली होने नहीं देता। जमाई राजा जी, ससुर जी, जो सामूहिक विवाह गांव में होना था उसके लिए सारा जरूरी सामान पहुंचा दिया ना आपने? हाँ, सुबह ही पहुंचा दिया। यानी चित्रा की शादी भी वही होगी ना? रानी तेरी, ये रानी भी मुझे चित्रा की तरह ठेंगा ही दिखा रही है। तेरी बहस की आगा। हेलो अंकल, क्या है? आपको पता नहीं है क्या, आज चित्रा की शादी होने वाली है, जल्दी आ जाइए। बुढ़ोगी है मजाल, अब देखो मेरा जलवा। गजकर्ण कहा नंबोदरस्तो वित्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणादत्सो भालचंद्रो गजानन द्वादशतानि नामानि पतेच्छनु यादपि ओम नृपते नमः। चित्रा की शादी हो रही है? क्योंकि जीजा जी को डर था कि बंगारी फिर गड़बड़ ना कर दे, इसलिए चित्रा की अचानक शादी तय करनी पड़ी। बंगारी को पता चल गया तो चल रहे तो आगे जरा दिलवाना। क्या किडनैप, क्या कर रहे हैं? सर, सर रुक जाइए। किसी और का मंगलसूत्र पहनेगी? देखो मेरी बात सुनो प्लीज। चुप कर, ला रहे बस अब और नहीं। चित्रा तू यहाँ भी आ गया मेरे फटे में टांग अड़ा रहे। तो सुनिए, आप ठीक नहीं कर रहे, इससे गुरुजी को ठेस पहुंचेगी। Thank you.
जोर से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए, तूने मुझ पे हाथ उठाया, बहुत बड़ी गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्लीज अपने पिता से एक बार बात कीजिए सर। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मेरे और मेरे बुढ़ाओं के बीच आने वाला तू होता कौन है? अभी दिखाता हूँ तेरे को। निशाना चुकिया मैं, रुक अभी दिखाता हूँ। ये ला, दे मंगलसूत्र, दे। मुझे जान से ही मार दीजिए, पर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। एक बार गुरुजी से बात कर लीजिए। हाँ प्लीज, सब कुछ ठीक है। ए, ला मंगा सत्र, दे गाड़ी छोड़ से, बोला छोड़ जी। पुलिस मारिए, छोड़ लीजिए। इंस्पेक्टर, ये सब किडनैप करके शादी करना चाहता था। जब मेरी बेटी ने इसे रोका तो इसने उस पर हाथ उठाया। अरेस्ट करिए इसे। जीजा जी, ये आपका छोटा बेटा है, जरा ठंडे दिमाग से। अरे कितनी बार सोचो, कितनी बार चित्रा के साथ आज इसने दूसरी बार किया है। पहले ये अरेस्ट करवा देता तो ज्यादा ठीक रहता। ले जाइए इसे। छोड़ो मुझे, केस लगाओगे का के लिए? ये भी मेरे से प्रेम करती है, इसकी शादी किसी और से कराओगे तो ये मर जाएगी, जिंदा लाश बन जाएगी। अरे तू बाप है के कसाई है? ठीक, एक बाप अपने बेटों से इतनी नफरत कैसे कर सकता है? बाहर वालों को प्यार दिखाते हो और हम लोगों पे लाठियां बरसाते हो। तेरी तो तेरी वजह से ही सब, तू ही फसाद की जड़। भले मुझे काला पानी की सजा हो जाए, लेकिन तुझे हर हाल में मार के ही रहूंगा। तूने मेरी शादी रुकवाई है ना, मेरी बेल होने दे तू, तेरा आखिरी दिन होगा। बिन बुलाया मेहमान ले जाओ उसे। रुकिए चित्रा, चंद्रशेखर अंकल। मुझे छोड़ो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? क्या बात है, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इतनी बड़ी सुई लगाई थी, नहीं रहूंगा, इतनी बड़ी। चलिए मेरे साथ। बस हो गया, कुछ दर्द हुआ क्या? नहीं ना। अरे अरे, हो गया डॉक्टर, डन डन। तो जाओ, बस दो मिनट गुरुजी, हो गया अब उठ सकते। अरे गुरुजी, क्या हुआ गुरुजी? ऐसे क्यों? पहले सड़क बनाओ यार। गुरुजी कुछ नहीं होगा, ये नहीं करेगी, तुम लगाओ। वो नर्स है, मैं बचा रहा हूँ यहाँ से। सिस्टर आप जाइए। ये इतने सब तार क्यों लगाए मेरे ऊपर? क्यों घबरा रहे हैं? ओके चाचा जी, इतना घबराने की क्या जरूरत है? मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स देख ली, आप लंबी रेस के घोड़े हैं, सेंचुरी मारेंगे, गारंटी है मेरी। देखा मैंने तुम सब लोगों से कहा था ना, बेकार में खर्चा करवा दिया। बेगम साहिबा, 10 साल तुम्हारे व्रतों की वजह से, 10 साल पूजा पाठ की वजह से, 5 साल चित्रा की शादी और हॉस्पिटल खोलने की वजह से हो गए 25, 75वीं चली रही है। क्या बोलते डॉक्टर? चाचा जी यहाँ पर सब मुझे डॉक्टर नीलेश कहते हैं। डॉक्टर तो कहता है ना, क्या फर्क पड़ता है? देखिए सिस्टर, जब ये पैदा हुआ था तो इसकी माँ खुशी से फूली नहीं समाई थी, तभी इसका नाम नीलू फूले रख दिया था। सच कहता हूँ बेटा, तूने अस्पताल बहुत अच्छा बनाया है, इस तरह का अस्पताल हमारे गांव में क्यों नहीं खोलता? बिल्डिंग पहले से बनी है, उसे मैं फिर से ठीक करा दूंगा, तू आएगा ना बेटा? गांव में कोई पागल ही, मेरा मतलब मुझे काम से वक्त नहीं मिलता या आना नहीं चाहता। मेरा मतलब ये नहीं, किसी ने सही नाम रखा था, डॉक्टर नीलू। जबरदस्त, काफी मजे की मूवी है। एट द सेम टाइम एक्शन जो स्टार्ट का एक्शन था ना, मुझे वो बहुत जबरदस्त लगा था, जो जहाँ पे वो कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, बट वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह का जो जड़ निकाली होती है पौधे की, फुटबॉल की तरह मार 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 के, और उसको इमेजिन भी रामचरण सर को पुराना आ रहा होता है, फुटबॉल जैसे वो खेल रहे थे, और लास्ट में वो फोन कैसे उस लड़की के पीछे पॉकेट में डाल देते हैं और घर आके वापस निकाल लेते हैं, दैट वाज सो अमेजिंग। लेकिन एट द सेम टाइम में थोड़ा इमोशनल टर्न भी आया था जब वो किडनैप करके शादी वाला सीन था, और उसके बाद उनको पता भी चलता है लड़की भी, हाँ लड़की भी चाहती है कि शादी हो जाए और लड़का भी चाहता है, बट वो लेकिन वो रामचरण सर ने भी सही किया था कि ऐसे कि उठा के मत लेकर आओ और ऐसे बात के बगैर मत करो, अगर मतलब अगर आप सही भी करो तो, लेकिन इस तरह पोर्ट्रे हो रहा है जैसा गलत है,
तो ये वो बात भी सच थी, बट लास्ट वाला वो फनी सीन था हॉस्पिटल में, अंकल जी भागा थे मैं इतनी बड़ी सुई थी, वो ये बहुत मजे का सीन था। और डॉक्टर कहता है, डॉक्टर को कहता नहीं नर, ये नर लगाएगी ना इंजय, वो कहना नर्स जो लगाने, हाँ वो कहते हैं क्या लगाएगी, वो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो आता ही नहीं नर्स लगाएगी वो अपनी वाइफ का कह रहा था। तो वो बहुत ज़बरदस्त एक पैकेज मूवी है जिसमें एक्शन बहुत है, रोमांस है, इमोशनल है, कॉमेडी है। तो यार उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, होती है वापस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। ओके, टेक केयर।